आज हम साबूदाने का पोहा बना रहे हैं। इसके लिए पहले इसमें एक कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई में ऑयल डालते हैं। अभी इस ऑयल को गरम होने देते हैं। अब इसमें मस्टर्ड सीड डालें। ब्लैक पेपर, फ्लेम को सिम कर दें। इसमें फिर पनीर के पीस डालें जो मैंने पहले से तले हुए हैं, आलू के पीसेस डालें जो मैंने पहले से तले हुए हैं, और जी मूंगफली जो कि पहले से ही मैंने तली हुई रखी हुई है। इसमें मटर और ये गाजर है जो कि पहले से मैंने बॉईल की हुई है, ये भी इसमें मिक्स कर देती हूँ। मैश करते हैं। तो इसमें नमक मिला दें। इसमें थोड़ा सा लेमन जूस यूज करना है। अब ये साबूदाने हैं जो मैंने एक रात पहले भिगोए थे और अच्छी तरह इन्हें निचोड़ लिया है, अब इसमें मिक्स करनी है। इन्हें धीरे धीरे मिलाती जाइए। थोड़ी देर बंद तो करा करने का दीजिए। इसको 5 मिनट को ढक देते हैं, 5 मिनट के लिए रख देते हैं। अब हमारे 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब ये हमारा पूरी तरह रेडी है। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं, ठीक है। ऐसे हम ये मेरा पोहा तैयार है। ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।